आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? मनुष्य में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है? आइए गाइस, हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। संक्रमण रोग जो होते हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं और वातावरणीय दशाओं से घटते या बढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण रोग। और रेबीज जो है, रेबीज एक संक्रामक रोग है। ये किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। आइए इसके बारे में लिखते हैं, संक्रमण रोग। जो रोग एक मनुष्य से या एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं तथा वातावरणीय दशाओं के साथ घटते तथा बढ़ते हैं, उन्हें ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक या संक्रमण रोग कहते हैं, रोग कहते हैं। आइए रेबीज के बारे में देखते हैं। रेबीज क्या है? रेबीज यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रमण या संक्रामक रोग है। संक्रमण रोग है और ये किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। देखते हैं इस रोग का कारक कौन है। कारक देख लेते हैं, रेबीज वायरस या विषाणु। क्या है ये? रेबीज वायरस। इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं बुखार, पानी से डर, जिसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और इसका उपचार कैसे होता है? इसके उपचार में हम रेबीज का टीका लगवाते हैं। रेबीज का टीका। ये जो हमारे पास प्रश्न था, रेबीज एक क्या है? संक्रामक रोग है, संक्रमण रोग है। और इसका कारक, इसका लक्षण, उपचार, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न था, संक्रमण रोग किसे कहते हैं, मनुष्य में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है? आई होप गाइस ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।